रामपुर शाहबाद नगर पंचायत क्षेत्र में गंदगी का लगा अंबार और सफाई व्यवस्था चरमराई। नगर पंचायत शाहबाद के सभी सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पति मतलूब अहमद अंसारी को दिया शिकायती ज्ञापन। नगर पंचायत अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी पर लापरवाही बरतने और अनदेखी का लगाया गंभीर आरोप। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों का वेतन रोकने की दी चेतावनी। शाहबाद नगर पंचायत में सफाई कर्मियों द्वारा स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाने का लगा आरोप। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कार्यवाही को लेकर शासन को लिखा पत्र। जो आप लोगों ने चेयरमैन साहब से शिकायत रखी, क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत यह है कि वार्ड नंबर 14 मस्जिद काजी में कोई सफाई व्यवस्था सही तरह से नहीं है, किसी भी तरह की। यहाँ तक कि अगर कर्मचारी को हम फोन करके कहते हैं कि भाई यहाँ सफाई नहीं हुई है, यहाँ सफाई कर दो आकर के, तो वो कह देते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ जन्मदिन है या हमें काम है, हम कल कर देंगे। कल को फ़ोन किया, कल भी नहीं पहुँचे सफाई करने के लिए। फिर फ़ोन किया तो कह देते हैं क्या करें साहब, क्या बैठ जाएं आके वहाँ पे, बैठे ही रहें, कर तो दी सुबह सफाई। अरे भाई सुबह सफाई कर दी तो नालियाँ वगैरह कहाँ हैं सफाई हुई? कहीं कोई सड़क पर कोई सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है। फिर दूसरा नंबर, यो साहब को जब फ़ोन किया जाता है, यो साहब पहली बात तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, दूसरा फ़ोन रिसीव कर भी लेते हैं तो वो उनके यहाँ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। यानी गंदगी का अंबार लगा है वार्डों में। गंदगी का बहुत बड़ा अंबार है और यहाँ तक लोग नमाज के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े सनते हैं। अब कोई इतनी शादियाँ चल रही हैं, ब्याह शादियाँ होती हैं किसी के यहाँ पर, वो नए नए कपड़े पहनती हैं महिलाएँ और जेंट्स लेडीज वगैरह, अब जब वो पहनते हैं वो सब सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, छींटे आ जाते हैं उन पर। और प्लस एक शिशु मंदिर है मस्जिद काजी में, यहाँ स्कूल है शिशु मंदिर स्कूल, उसके जस्ट सामने इतनी गंदगी रहती है वहाँ पर, बहुत सारी गंदगी, लोग नमाजी इतने परेशान हैं, दो तीन मस्जिदें हैं वहाँ नमाज। धार्मिक स्थलों पे भी सफाई नहीं हो रही, सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपने लिख के दिया है? हाँ, हमने लिख के दिया, लिखित रूप में अपने अध्यक्ष महोदय जी के लिए दिया है, ईओ साहब के लिए भी दिया। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, हम वेतन रोकेंगे कर्मचारियों का अगर वो सफाई नहीं करते हैं तो। फिर मैंने ईओ साहब की भी शिकायत की है इनसे, यहाँ तक मैंने यो साहब से आज ये भी कहा है, मैंने कहा चाहे मुझे नगर विकास मंत्री जी के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरबों खरबों रुपया स्वच्छ अभियान में खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहीं नहीं लग रहा है ठीक किसी भी तरह। साहब आज जो है आपके सभासदों ने जो है आपको एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उन्होंने शिकायत रखी है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है पूरे नगर पंचायत में, क्या है पूरा मामला? देखना ये है, हमारे सभासदगण जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शाहबाद नगर की जनता, मंगोली भीतर गांव की जनता हमसे भी शिकायत करती है और हमारे सभासदों से भी शिकायत करती है, और हमारे सभासद इतने परेशान हो गए। आज उन्होंने खुद सुबह से उठकर हर मोहल्ले का दौरा किया, हर वार्ड का दौरा किया हमारे कुछ सभासदों ने, और उन्होंने ये पाया। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा भाई कुछ दौरा करके दिखाओ क्या बात है, नगर में काफ़ी परेशानी आ रही है सफाई को लेकर। तो खुद बेचारे दौरा करने गए और दौरा करके जब मुझे इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा मसला है और लिखित में ये प्रार्थना पत्र दिया, तो महसूस ऐसा होता है कि हमारे नगर के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं कोई भी सही करके सफाई नहीं कर रहा है। और मुझे महसूस होता है कि हमारे ईओ साहब तो सिर्फ छुट्टियाँ मनाते हैं अपने घर पर जाके, कभी माता जी की तबीयत ख़राब है, कभी भाई की तबीयत ख़राब है, कभी किसी की, उस पर एप्लीकेशन लिए और दे दिए और छुट्टी पे चले गए। और यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए तमाम लोग परेशान हैं, लेकिन पता नहीं किसको अपना वो डोवल दे दिया है। अब जो शिकायत रखी है आपके सभासदों ने तो उसको लेकर किस तरीके से आपने कार्रवाई किया आदेश? नहीं, मैंने सारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रुकवा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शाहबाद में गंदगी हो। अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सफाई को लेकर इतने चिंतित हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया सफाई के चक्कर में, और हमारे नगर में सफाई नहीं हो रही है, नाले इतनी गंदगी है, नालियों में इतनी गंदगी है, सड़कों पर इतनी गंदगी है कि अगर हमारे कोई प्राथमिक जो विद्यालय हैं वहाँ पर गंदगी है, उनके घर जब दरवाजे के बाहर निकलते हैं किसी भी स्कूल के, तो इतनी गंदगी होती है कि बच्चे बेचारे गिरते हैं उसमें गंदगी में और उनके कपड़े सन जाते हैं। उनके माँ बाप सभासदों को, चेयरमैन को,
अधिशासी अधिकारी को सभी को बुरा कहते हैं। यानी अधिकारी मनमानी पे हैं अपनी। हाँ, हालात ऐसे लग रहे हैं कि हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं वो भी मनमानी कर रहे हैं।